ओके फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर डूइंग एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है डिसीजन मेकिंग के, यहाँ पे अपने को लिमिटिंग फैक्टर वगैरह नहीं देके रखते, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो दिस इज टुडे वी आर डूइंग एडवांस प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के साथ साथ अगर अपने को क्वेश्चंस करने हैं डिसीजन मेकिंग के विद लिमिटिंग फैक्टर, तो हम लोग कैसे करेंगे वो अपन एक बार देख लेते हैं। ओके, सो जस्ट यू रिफर फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27 एंड पेज नंबर 5.53, क्वेश्चन नंबर 27 एंड पेज नंबर 5.53। ऑलराइट फ्रेंड्स, देखो जरा, ऑन ए टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ इन 1997, ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट 10% बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन व्हिच वर फिक्स्ड। द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी वाज एज अंडर, प्रोडक्ट्स PQRS मिक्स टू टोटल सेल्स 10%, 30%, 20%, 40%, पीवी रेशियो, रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 40, 35, 50 and 60। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू ₹50 lakhs एंड 1,77 lakhs, 177 lakhs। ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, द कंपनी एंटिसिपेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विच आर इम्पोर्टेड विल इंक्रीज बाई 10% ड्यूरिंग 1998। द कंपनी हैज बीन एबल टू सिक्योर ए लाइसेंस फॉर The import of raw material of the value of 1023 lakhs at 1997. In order to counteract the increase in the cost of raw material, the company is contemplating to revise its product mix. The market survey report recently prepared indicates that the sales potential of each of the products P, Q and R can be increased up to 30% of the total sales value of 1997. There is no inventory of finished goods or WIP in both the years required. Set an optimal product mix for the year 1998 and what is the percentage increase in overall price is required in 1998 to raise the sales value to maintain the margin of safety at 10%. Say yes or no, friends. Same style. पहले अपन क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट यू राइट इट डाउन व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन। दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, राइट? आपके पास बोल रहा है फ्रेंड्स, ऑल फिगर्स इन लैक्स, रुपीस इन लैक्स, बराबर। क्या बोल रहा है? सेल्स, सेल्स ऑफ 2000 lakhs, 20 crores means 2000 lakhs, उसके ऊपर बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज 10% ऑफ 2000, इट मीन्स 200 lakhs लेस। व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन? योर डेप्रिसिएशन इज गिवन इज ए 50, and what is your depreciation? Sorry, your interest is 50. Your interest amount is 50 and your depreciation amount is 177. It means net profit and loss. 200 minus 50 minus 177, there is a final loss of 27. There is a final loss of 27. On a turnover of 20 crores, तो हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया फ्रेंड्स? लैक्स में। A large manufacturing company earned a profit 10% before interest and depreciation, which were fixed. Interest and depreciation आपकी क्या है? This is your part of your fixed cost. Okay, the product mix of the company was as under, products PQRS mixed to total sales, PV ratio, raw material.
interest and depreciation amounted to 50 and 177 lakhs respectively. Due to the fluctuation in the price, पहले given last year का, this is the position of 1997. This is the position of 1997. अब आप आ जाइए कि 1997 में हुआ क्या था, actual profit or loss. It means, this is your statement showing analysis of profit and loss. Statement showing analysis of profit and loss, products, sales, परसेंटेज ऑफ सेल्स इनटू पीवी रेशियो. चार्ट अपना सेम रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, अपने को क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन और रुपीस इन लैक्स. ई क्यू आर एस सेल्स 2000 and 2000 into mix 10% 30% 20% and 40%. आपका contribution आ जाएगा mix 10, 30, 20 and 40 and your PV ratio is 30, 20, 40, 10. 30, 20, 40 and 10. बहुत advanced level के questions चल रहे हैं, तो please आप presentation पे plus concept पे बराबर से ध्यान दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा. It means 2000 into 10% into 30% is 60, 2000 into 30% into 20% is 120, 2000 into 20% into 40% is 160, 2000 into 40% into 10% is 80. 60, 120, 160 and 80 is 420. और 1997 में आपको क्या बोल रहा था कि हमको नेट लॉस हुआ है, हम लोग को नेट लॉस हुआ है और इधर नेट लॉस इज 27. इसका मतलब हमारा फिक्स कॉस्ट रहा होगा 447. ये 447 में आपका इंटरेस्ट, आपका डेप्रिसिएशन एंड आपका अदर्स. इंटरेस्ट अपने को बोल रहा है 50, डेप्रिसिएशन अपने को बोल रहा है 177. इट मींस बैलेंसिंग फिगर 50, 177 माइनस 447 इज 220. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? This is the most important thing करके ना, ये आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं. ये लास्ट ईयर के जो भी डाटा है वो हम आपको लिख के दे रहे हैं, लास्ट ईयर का पी क्यू आर एस का आपका क्या सेल था, उसका परसेंटेज क्या था, पीवी रेशियो क्या था, उससे अपने को क्या आ जाएगा, उससे अपने को आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका नेट लॉस आपको दे रखा है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, बाकी का जो बचेगा दैट इज योर अदर फिक्स कॉस्ट. सही है सो नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आपका अदर फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, राइट, परफेक्टली क्लियर होना. अब फ्रेंड्स, अब आप ये तो सिर्फ ओनली आपको क्या हुआ अभी तक, ओनली गिवन आपका क्लियर हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन है आपका, लास्ट ईयर का जो सेल्स था उसके बेस पे आपका गिवन इंफॉर्मेशन आ गया. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं,
interest and depreciation amounted to rupees 50 lakhs and 177 lakhs respectively. Due to the fluctuation of prices in the international market, the company anticipated that the cost of raw material which are imported will increase by 10%. It means आपका raw material का जो cost है, raw material cost आपका कितने से increase हो जाएगा? Increase by raw material cost increase by 10%. The company has been able to secure a license for the import of raw material of a value of 1023 lakhs at 1997 price. मैक्सिमम आपके पास मटेरियल अवेलेबल है 1023 लैक्स. सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन बुक का सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए. जो लोगों ने वीडियो खरीदा है उनके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, या आप लोगों ने अगर सॉफ्ट कॉपी से खरीदा है सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए. आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ क्वेश्चन पे. नो बकवास, प्योर टू द पॉइंट, बहुत ए प्लस प्लस कैटेगरी के क्वेश्चंस चल रहे हैं फ्रेंड. ध्यान दीजिए आप जरा, ए प्लस प्लस कैटेगरी के क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए. इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 50 एंड 177 लैक्स रेस्पेक्टिवली. ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट, द कंपनी एंटिसिपेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विच आर इम्पोर्टेड विल इंक्रीज बाई 10% ड्यूरिंग 1998. आपका जो मटेरियल का जो प्राइस है वो 1998 में कितने से बढ़ गया? 10% से. द कंपनी हैज बीन सिक्योर ए लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ 1023 लैक्स एट 1990. आपको जो टोटल वैल्यू का जो कोटा मिला है, टोटल आपको जो कोटा मिला है वैल्यू का वो कितना है? 1023 लैक्स. इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू रिवाइज इट्स प्रोडक्ट मिक्स. द मार्केट सर्वे रिपोर्ट रिसेंटली प्रिपेयर्ड इंडिकेट्स दैट द सेल्स पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर कैन बी इंक्रीज अप टू 30% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू. द मार्केट सर्वे रिपोर्ट रिसेंटली प्रिपेयर्ड इंडिकेट्स दैट द सेल्स पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर कैन बी इंक्रीज अप टू 30% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू. इट मीन्स आपका मैक्सिमम सेल्स, आपका मैक्सिमम सेल्स हो जाएगा ऑफ प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट आर एंड प्रोडक्ट एस. टोटल सेल्स 2000 lakhs, 2000 lakhs, 2000 lakhs and 2000 lakhs. उसका 30% पी क्यू एंड आर 30% और इन केस ऑफ एस दिस इज एनी अमाउंट. इट मीन्स 2000 इंटू 30% 600 एंड मीन्स आपके पास मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल है 1023 लैक्स का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समा फ्रेंड्स. और आप मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, आप मैक्सिमम सेल कर सकते हैं पी 30%, क्यू 30% एंड आर 30% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 1997. 1997 का सेल कितना था? 2000. 2000 का आप 30% कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं 30, और ये आप कर सकते हैं एनी अमाउंट. सेट एन ऑप्टिमल मिक्स फॉर द ईयर 1998 एंड फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी. आपको ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स सेट करना है और आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस. अब आपके पास ना तो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट में, आपके पास ना तो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट में, ना आपके पास मटेरियल पर यूनिट में है, ना आपको पर केजी है, कुछ भी नहीं. नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे इसके अंदर डिसीजन लेंगे. हमारे पास तो कुछ भी नहीं,
आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कैसे डिसीजन लेंगे, ना आपको सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, ना आपको पर यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा वो है आपके पास, ना आपके पास कितने केजी मटेरियल है, कुछ भी। एवरीथिंग इज इन परसेंटेज एंड रुपी टर्म्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन परसेंटेज एंड रुपी टर्म्स। आपका सब कुछ यहां पे क्या दे रखा है, परसेंटेज में है या फिर रुपी टर्म्स में है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको मैंने, व्हाट इज दानिकी कॉस्टिंग, यहां से आपको पता चलेगा कि सर आपका जो फॉर्मेट है दैट फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि भाई हम इस मटेरियल को किस तरह से यूज करें टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ये मैक्सिमम सेल्स, सब्जेक्ट टू ये हमारा मैक्सिमम सेल्स है, हम मटेरियल को कैसे यूज करें टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, हम मटेरियल को कैसे यूज करें टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ये। सही है, सुनो फ्रेंड्स कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए, दिस इज योर स्टेप नंबर वन। अपना फॉर्मेट क्या था फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर रैंक फॉर प्रोडक्शन, यहां पे आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है, यहां पे आपका लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखो जरा स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर रॉ मटेरियल एंड रैंक, क्योंकि हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, हमारा लिमिटिंग फैक्टर है रॉ मटेरियल। तो हम लोग रॉ मटेरियल को, हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे रॉ मटेरियल से। आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, सपोज पी क्यू आर एस, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज इन परसेंटेज में है या रुपी टर्म्स में, तो हर यूनिट का सेलिंग प्राइस हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं 100 रुपीज, हर यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 100 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय मेरा पीवी रेशो हो जाएगा, व्हाट इज माय पीवी रेशो इज 30%, 20%, 40%, 10%, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 30, 20, 40 and 10, then into percentage of raw material, एक यूनिट को बनाने में 40% लगता है P में, 35% लगता है Q में, 50% लगता है R में और 60% लगता है S में। तो ये आपका हो जाएगा रॉ मटेरियल पर यूनिट, इट मीन्स 100 रुपीज का आपका सेलिंग प्राइस है, 40% है इट मीन्स 40, 35, 50 and 60। सही आसान। अब रॉ मटेरियल में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग बाय 10% इट मीन्स 4, 3.5, 5 and 6, this will be your revised material per unit 44 38.5
55 एंड 66। जब आपका रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा, जब आपका रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा तो उतना ही आपका कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू 30 रुपीज आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था, 4 रुपीज का मटेरियल बढ़ गया 26। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 30 का था, 4 रुपीज मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया 26 हो गया। 20 का था 3.5 बढ़ गया, 20 माइनस 3.5 16.5, 40 माइनस 5 35 एंड 10 माइनस 6 इज 4। इट मीन्स आपको रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है। रॉ मटेरियल का आपका प्राइस बढ़ गया, इसके लिए आपका रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 26, 16.5, 35 एंड 4। ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स, रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। सही है, सुनो, अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा। कभी भी लिमिटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम होता है तो अपन किससे डिवाइड करते थे, हम लोगों ने कितने सारे कम किए थे, आर्स लिमिटेड है तो आर से डिवाइड करेंगे, आर्स लिमिटेड है तो आर से डिवाइड करेंगे, बोलो राइट, मीटर्स लिमिटेड है तो मीटर से करेंगे, लेबर आर्स लिमिटेड है, यहां पर रॉ मटेरियल लिमिटेड है। इट मीन्स 44 रुपीज का मटेरियल लगेगा तब जाके कॉन्ट्रीब्यूशन 26 आएगा। 38.5 का लगेगा, देन 55 का लगेगा एंड 66 का लगेगा। इट मीन्स दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल। इट मीन्स 26 डिवाइडेड बाई 44, इट मीन्स इफ आई यूज 1 रुपी का मटेरियल आई गेट ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.59। देन 16.5 डिवाइडेड बाई 38.5 इज 0.43। देन 35 डिवाइडेड बाई 55 इज 0.63 एंड 4 डिवाइडेड बाई 66 इज 0.06। तो माय रैंक फॉर प्रोडक्शन मेरा हो जाएगा, रैंक फॉर प्रोडक्शन 1, 2, 3 एंड 4। मेरा रैंक फॉर प्रोडक्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। स्टेटमेंट शोइंग, आराम से एक एक पॉइंट को आप जरा समझ लीजिए फ्रेंड्स। स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर रॉ मटेरियल एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि अपने पास ना तो पर यूनिट का डिटेल है, ना अपन को केजी का डिटेल है, ना कितने केजी मटेरियल है, एवरीथिंग इज इन रुपी टर्म्स है या परसेंटेज टर्म्स है। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, एज्यूम किया सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी इज 100, क्यू इज 100, आर इज 100 एंड एस इज 100 मल्टीप्लाई बाई जो पीवी रेशो था 1997 का, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 30, 20, 40 एंड 10। रॉ मेटेरियल से मल्टीप्लाई किया 40%, 35, 50 एंड 60। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमारा रॉ मेटेरियल पर यूनिट आ जाएगा 40, 35, 50 एंड 60। इंक्रीज बाय 10%, 4, 3.5, 5, 6। Then revised material मेरा आएगा 44, 38.5, 55, 66। Revised contribution मेरा हो जाएगा जितना भी contribution है उसमें जो raw material का cost बढ़ा है वो मैंने minus कर दिया, बराबर। तो मेरा revised contribution आ गया, contribution को मैंने again raw material से divide कर दिया, मुझे contribution आ गया, फिर मेरा ये rank आ गया। सही है, सुनो, ये मेरा क्या हो गया friends, ये मेरा रैंक आ गया, ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 1। देन आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर रिवाइज्ड
revised PV ratio, contribution divided by sales into 100. What is your contribution? 26. Kitne ke upar? 100 ke upar into 100, and this comes to 26%. Then what is your contribution? Second contribution, 16.5 divided by 100 into 100 is 16.5%. Then your contribution is 35 by 100 into 100 is 35%, and then 4 by 100 into 100, and this comes to 4%. So yes or no? यहां तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए. आपका पीवी रेशो आ जाएगा 26%, 16.5%. ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है 5.54 पेज पे, आप जरा देख सकते हैं 5.54 कंटिन्यूइंग टू 5.55 पे. ओके, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया. एक बार अगर अपने को रैंक आ जाता है तो फिर अपना फॉर्मेट एकदम इजी है. तो फिर हम आराम से अपना प्रोडक्शन प्लान बना सकते हैं. एक बार अगर अपने को क्लियर हो गया तो फिर आराम से हम लोग प्रोडक्शन प्लान बना सकते हैं. प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रैंक. अब आप देखिए आपका टोटल मटेरियल कितना अवेलेबल है आपके पास? 1023. आपका फर्स्ट रैंक कहाँ का आ रहा है? आपका फर्स्ट रैंक आ रहा है आर में. और मैक्सिमम सेल आप कितना कर सकते हो? मैक्सिमम सेल्स आप कर सकते हो ओनली 600. पी क्यू एन आर का 600 और एस का एनी क्वांटिटी. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेप नंबर टू. स्टेटमेंट showing production plan for maximum profit. Statement showing production plan for maximum profit. Materials available, products raw material required, and balance all figures in lakhs. सही है सोना फ्रेंड्स. आपके पास मटेरियल अवेलेबल है 10, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है 1023 लैक्स का. सबसे पहला प्रोडक्ट आप कौन सा बनाएंगे फ्रेंड्स? आर. ये आर बनाएंगे और आर का मैक्सिमम सेल्स कितना है पॉसिबल? इज 600. मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स आर का है 600 और एक आर को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा? 55. इट मींस 600 इंटू 55 330. 1023 माइनस 330 693. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? आपके पास मैक्सिमम कितना मटेरियल अवेलेबल है? 1023. आपका फर्स्ट रैंक आ रहा है आर में. आर का मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स, हम चाहें तो पूरा आर बना सकते हैं लेकिन मार्केट में आर का डिमांड नहीं है.
आर का मैक्सिमम डिमांड कितना है 600 एंड 55% इट मीन 330, 1023 माइनस 330 आपके पास कितना बचेगा 693, आपके पास कितना बचेगा 693। अब हम दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, सेकंड प्रोडक्ट इज ए पी, पी पी कितना है 600 और एक पी को बनाने में हमको कितना मटेरियल लगेगा, पी को बनाने में हमें मटेरियल लगेगा 44। एवरी 100 रुपीज के लिए इट मींस 600 इंटू 44 264 693 लेस 264 इज 429। सही है, सुनो 429। अब हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, पीबी हो गया आपका, अब थर्ड आपका आ रहा है क्यू, क्यू में कितने का मटेरियल लगेगा 38.5, क्यू 600 38.5% is 231. Okay, so 231 बैलेंस बचेगा आपके पास 429 माइनस 231 इज 198। सही आंसर है फ्रेंड्स। अब आपके पास बचा एस, आपके पास टोटल मटेरियल अवेलेबल है 198 और एस क्या बोल रहा है 66 रुपीज का मटेरियल लगेगा फॉर द सेल ऑफ 100, 66 फॉर 100। अगर आप 66 रुपीज का मटेरियल यूज करते हो तो आपका सेल कितने का होगा 100 का होगा, अगर आप 66 का मटेरियल यूज करते हो तो आपका सेल कितने का होगा 100 का होगा। अब 198 अगर आपके पास है तो 100 डिवाइडेड बाय 66 पर आपका सेल हो जाएगा 300। ये पार्ट आपको क्लियर हुआ है, मतलब फॉर्मेट आपको वही डीकेसी का फॉर्मेट ही आपको यूज करना पड़ेगा। एक बार आपका रैंक हो गया देन देर इज नो प्रॉब्लम, एक बार अगर आपका रैंक आ गया देन देर इज नो प्रॉब्लम, फिर आप अपने हिसाब से करते रहिए। इसका मतलब पी का सेल 600, क्यू का 600, आर का 600 और एस का 300, मैक्स टू मैक्स आपका ये सेल हो सकता है। सही है सोनो फ्रेंड्स, मैक्स टू मैक्स आपका ये सेल हो सकता है। सही है सोनो फ्रेंड्स। अब अपने से क्या पूछ रहा है, सेट एन ऑप्टिमल मिक्स, ये किसके लिए है, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, दिस इज फॉर 1998, फॉर 1998 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट 1998 में अगर आप इस तरह का सेल करते हो, पी 600, क्यू 600, आर 600, एस 300, देन यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, then you will get the maximum profit. सही आंसर है, then you will get the maximum profit. Okay, अब कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट showing analysis of profit and loss, statement showing analysis of profit and loss, products, sales into revised PB ratio, you will get the
revised contribution, okay, P Q R S. P 600 lakhs, 600 lakhs, all figures in lakhs only, 600 lakhs and 300 lakhs, okay, sales ho gaya aapka. और PV रेशियो आपको दे रखा है फ्रेंड्स 26, 16.5, 36, 16.5, 35 and 4. So 156 plus 99 plus 210 plus 12, this comes to 477 less fixed cost or the profit and loss. Fixed cost 447, profit 30. ये आपका टोटल सेल्स हुआ 2100. सही आंसर नंबर स्टेटमेंट शोइंग दिस इज योर आंसर नंबर वन. सेट एन ऑप्टिमल मिक्स फॉर द ईयर, इट मीन दिस इज योर आंसर नंबर वन पार्ट टू. और ऑप्टिमल मिक्स के लिए दिस इज योर आंसर नंबर वन एंड पार्ट वन. वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इस समय. सही है, सुनो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया. इट मीन्स ये आपका टोटल, अगर आप इस तरह से बनाते हैं आपको 30 लाख रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा. जैसा कि लास्ट ईयर आपको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, और अब आपको क्या हो जाएगा, अब आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो, अब आपको हो जाएगा ये प्रॉफिट. परफेक्टली क्लियर होना बताइए. अब सेकंड पार्ट और आपसे पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस इज रिक्वायर्ड. इन 1998 टू रेज द सेल्स वैल्यू टू मेंटेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10%. देखो, यू कैनॉट इंक्रीज द वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास रॉ मेटेरियल कितना अवेलेबल है, ओनली 1023. आपके पास मेटेरियल कितना अवेलेबल है, 1023. मैक्सिमम आपके पास मेटेरियल अवेलेबल है 1023. 1023 में यू कैनॉट इंक्रीज योर वॉल्यूम, क्योंकि आपके पास मेटेरियल क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है. और मेटेरियल कितना अवेलेबल है आपके पास, ओनली 1023. यू कैन इंक्रीज ओनली द प्राइस. ओके, अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस इज रिक्वायर्ड इन 1998 टू रेज द सेल्स वैल्यू टू मेंटेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या रहेगा, 10%. जब भी अगर आपके पास एमओएस आ जाता है, इसका मतलब आपका कौन सा चार्ट लगेगा, चार्ट टू. दिस इज योर चार्ट टू. व्हाट इज योर चार्ट टू इज एक्सपेक्टेड सेल्स यू डिवाइड इनटू योर बीपी सेल्स एंड योर एमओएस सेल्स. बीपी सेल्स डिवाइड इनटू योर
variable cost, your contribution, your fixed cost and your profit. MOS is variable cost, contribution, your fixed cost and your profit. Say yes or no. And your profit. Perfectly clear or not? Bataiye. Perfectly clear. अब MOS को यहां पे कहां बोल रहा है फ्रेंड्स? MOS को आपको बोल रहा है 10%. इसका मतलब क्या बोल रहा है? What percentage increase in overall price is required in 1998? You cannot increase the volume. You cannot increase the volume. You can increase only the price of the product. What percentage increase in overall price is required in 1998? To raise the sales value to maintain the margin of safety 10%. इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा 90%. ये आपका क्या हो जाएगा इज ए 100%. सही है सुनो. फिक्स कॉस्ट आपका क्या रहने वाला है? फिक्स कॉस्ट आपका क्या रहने वाला है बोलो? 447. प्रॉफिट आपका क्या रहेगा? जीरो. इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 47. वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो लास्ट टाइम आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था? देखो आपकी सेल्स कितनी थी लास्ट टाइम? 2100. और आपका कंट्रीब्यूशन लास्ट टाइम क्या था? आपका कंट्रीब्यूशन लास्ट टाइम था इज ए 477. इसका मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या रहा होगा? इट मींस 2100 लेस 477 इज 1623. आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या रहा होगा? 1623. आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या रहा होगा? 1623. इट मींस आपका लास्ट टाइम सेल्स 2100, उसमें से 477 आपका वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा. पूरा 2100 माइनस 477 इज 1623. अब 1623 का 90% ही तो आपका है. जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका 90% ही तो वीपी है. 10% वेरिएबल कॉस्ट कहां चला जाएगा? एमओएस में. इनटू 0.9 एंड दिस कम्स टू 1460.7. ये आपको पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? तो आपका टोटल सेल्स हो जाएगा प्लस 447. आपका टोटल सेल्स हो जाएगा 1907.7. 1907.7 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 90. आपका टोटल सेल्स, बिकॉज ये बीपी सेल्स है. बीपी कहां पर है? 90% पे. इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 एंड दिस कम्स टू 2119.67. 2119.66 कुछ भी बोल दो आप. और हमारा ओल्ड सेल्स था, हमारा ओल्ड सेल्स जो हमने किया था वो था 2100. तो कितना रिक्वायर्ड है मिनिमम टू इंक्रीज? रिक्वायर्ड टू इंक्रीज विल बी 19.67. इसका मतलब 19.67 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 100. 19.67 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 100. आपका प्राइस इंक्रीज होना चाहिए 0.9361%. ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए करके ना. आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा चार्ट लगेगा. तो चार्ट नंबर 2, एमओएस सेल्स आपको बोल रहा है 10%. इसका मतलब बीपी सेल्स आपका 90%. बीपी सेल्स क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है, प्रॉफिट जीरो ही होगा.
वेरिएबल कॉस्ट हम कहां से निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के लिए लास्ट टाइम का सेल, लास्ट टाइम का सेल कितना था 2100, लास्ट टाइम का कंट्रीब्यूशन कितना था ये, तो सेल्स में से अगर कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 1623 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 1623 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से 10% MOS में चला जाएगा, 90% BEP में चला जाएगा, तो 1623 का 90% आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, ये आपका 90% वेरिएबल कॉस्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज ए सेल्स, ये सेल्स आपका 90% है, तो 100% सेल्स आपका ये होना चाहिए अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इफ यू वांट ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 10%, ओल्ड सेल्स 2100, इंक्रीज इन सेल्स ये आपका, तो इंक्रीज इन परसेंटेज ये आपका हो जाए। सही फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीन बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सीए एग्जाम्स के अंदर, राइट, और आप देखिए जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है करके, ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल में कुछ ही सम दे रखे हैं, उसके लिए आपको पूरा लॉजिकली समझाना बहुत ही जरूरी है करके, परफेक्टली क्लियर हो बताइए, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 28 है फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28 एंड योर पेज नंबर 5.56 एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 5.56 ये मैंने आपको दे रखा है, ओके, एग्जैक्टली सेम है आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आपका एग्जैक्टली सेम है, अब मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, ओके, तो आप जरा देख लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेक वर्सेस बाय, हमें मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन लेना चाहिए या हमें परचेज करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो खाली प्रॉफिट से रिलेटेड थे, अब अपन कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, ओके। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर मेक वर्सेस बाय। हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या खुद बनाना चाहिए, मेक वर्सेस बाय डिसीजन, राइट, कोई भी प्रोडक्ट है वो हमें खरीदना चाहिए या वो हमें खुद बनाना चाहिए करके ना, ओके। ये केस में फ्रेंड्स आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटली क्या हो जाएगा, इज ए इरेलेवेंट, फिक्स कॉस्ट इज टोटली इरेलेवेंट, ओके। जैसे सपोज आई एम एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, मैं एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी खुद की फैक्ट्री है, ओके, ये पेन बनाने की फैक्ट्री है और पेन के अंदर मुझे को रिफिल डालना है, तो रिफिल का वेरिएबल कॉस्ट है मुझे पड़ता है 1 रुपी और मुझे फिक्स कॉस्ट पड़ रहा है 1 रुपी, इट मीन्स मेरा टोटल कॉस्ट पर यूनिट रिफिल का आ रहा है 2 रुपीज पर यूनिट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपी पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 1 और मेरा टोटल कॉस्ट है 2 रुपीज पर यूनिट, सेम रिफिल मुझे मार्केट में मिल रही है 1 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट में, सेम रिफिल मुझे मार्केट में मिल रही है 1 रुपीज 50 पैसे में, जबकि मेरा बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है 2 रुपीज, मेरा बनाने का कॉस्ट आ रहा है 2 रुपीज, सेम रिफिल मार्केट में मिल रही है 1 रुपीज, बट आई एम एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, मैं एग्जिस्टिंग, मेरा बिजनेस है, मेरे पास फैक्ट्री है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए या मुझे खरीदना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 1 रुपीज 50 पैसा मेरा परचेज प्राइस है, मुझे ये रिफिल परचेज करूंगा तो मुझे पड़ रही है 1 रुपीज 50 पैसे में, अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं तो मुझे कितने में पड़ रही है 2 रुपीज में, अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं तो 2 रुपीज में, परचेज करता हूं तो, और आई एम एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, मेरी खुद की फैक्ट्री है, तो आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि मुझे परचेज करना चाहिए या मुझे बनाना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए या मुझे परचेज करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपका
ये आप मुझे बताइए, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड, अगर मैं बनाता हूं तो मुझे 2 लगेगा और अगर मैं खरीदता हूं तो भी मुझे ये 1 रुपी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो लगने ही वाला है ना। आई एम एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, इसका मतलब 1.5 प्लस 1 मुझे टोटल कॉस्ट हो जाएगा 2.5, जबकि मुझे बनाने में कॉस्ट कितना आ रहा है 2 रुपीज। लेकिन यू कैन नॉट गिव आंसर लाइक दिस, आपको लिखना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट इज टोटली इरेलेवेंट, योर फिक्स कॉस्ट इज टोटली इरेलेवेंट। इसका मतलब आपका परचेज कॉस्ट है 2 रुपीज और मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपी। परचेज कॉस्ट है 1 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1, इट मींस लॉस ऑन परचेज आपको क्या आ रहा है 50 पैसे। यू डेफिनेटली मैन्युफैक्चर, सही आ सुनो। 29 आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 5.59। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट इज एज अंडर, प्राइम कॉस्ट 15 रुपीज, फिक्स्ड ओवरहेड 4 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 7, टोटल कॉस्ट 26। द सेम पार्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट 23, शुड द फर्म मेक और बाय। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखिए दिस इज योर नोट नंबर 1, इट मींस योर फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, योर फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 15 प्लस 7 22, और आप अगर आप परचेज करते हैं तो आपको परचेज कॉस्ट पड़ रहा है 23 में, तो आपको लॉस ऑन परचेज है आपका 1 रुपी, आपका डिसीजन रहेगा मैन्युफैक्चर, आपका डिसीजन रहेगा मैन्युफैक्चर। अगर हम परचेज करते तो 23 में है, बनाने का कॉस्ट 22 में है, लॉस ऑन परचेज मेरा 1 रुपीज है, तो मेरा डिसीजन क्या हो जाएगा इज ए मैन्युफैक्चर। फिक्स कॉस्ट आपका टोटली क्या हो जाएगा इरेलेवेंट, चाहे आप बनाइए चाहे आप खरीदिए, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको लगने ही वाला है, दैट इज टोटली इरेलेवेंट, योर फिक्स कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट। ओके, कंसेप्चुअली देखिए, अब इसमें मैं आपको लेके चलता हूं लिमिटिंग फैक्टर के अंदर। ओके, लिमिटिंग फैक्टर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूं। ओके, आप जरा देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्टी है पेज नंबर 5.60 है, क्वेश्चन नंबर 30। एग्रोकेप लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर मशीनरी, 5.60 पे आप देखिए फ्रेंड योर क्वेश्चन नंबर 30। एग्रोकेप लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर मशीनरी इज प्रिपेयरिंग एनुअल बजट फॉर द कमिंग ईयर, द कंपनी हैज ए मेटल प्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ 20,000 आवर्स। इसका मतलब मैक्सिमम कंपनी के पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं, ओनली 20,000 आवर्स अवेलेबल हैं। एग्रोकेप लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर मशीनरी इन प्रिपेयरिंग इट्स एनुअल बजट फॉर द कमिंग ईयर, द कंपनी हैज ए मेटल प्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ 20,000 आवर्स विच विल बी इनसफिशियंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट ए बी सी डी। कंपनी क्या बनाती है, कंपनी बनाती है एग्रीकल्चर मशीनरी, कंपनी क्या बनाती है एग्रीकल्चर मशीनरी, और उसके अंदर 4 कंपोनेंट लगते हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी एंड कंपोनेंट डी, और हमारे पास मैक्सिमम 20,000 आवर्स अवेलेबल हैं।
The company has metal pressing capacity of 20,000 hours, which will be insufficient for manufacture of all the requirement of components A, B, C, and D. The company has the following choices: buy the component entirely from outside supplier, buy from outside supplier and use partial second shift. या तो आप पूरा की पूरा बाहर से ले लो या कुछ बना लो और कुछ second shift करके आप ले लो. The data for the current year is given below. Standard production cost per unit, component A, B, C, D, variable cost, direct material, direct wages, direct expenses, fixed overhead, total production cost, requirement in units आपको दे रखा है, A का 2000, B का 3500, C का 1500 और D का 2800, ये आपकी requirement है और इसके लिए आपके जो 20,000 hours है उसमें आपका काम नहीं हो सकता. डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट टू यूज ऑफ मेटल प्रेसेस विच कॉस्ट 10 rupees पर आवर. आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका आपको दे रखा है कॉस्ट 10 rupees पर आवर टू ऑपरेट. फिक्स्ड ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. फिक्स्ड ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस. सप्लाई ऑफ ऑल और एनी ऑफ द पार्ट टोटल रिक्वायरमेंट कैन बी ऑप्टेन एट द फॉलोइंग प्राइसेस इज डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री. अगर हम लोग यही कंपोनेंट बाहर से लेते हैं तो ए हमें कितने में पड़ेगा 60, बी कितने में पड़ेगा 59, सी कितने में पड़ेगा 52 और डी कितने में पड़ेगा 168. 60, 59, 52 and 168. सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन, सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन वुड इंक्रीज डायरेक्ट वेजेस बाय 25% ओवर द नॉर्मल शिफ्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड 500 फॉर ईच 1000 और पार्ट देयर ऑफ सेकेंड शिफ्ट आवर्स वर्क. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट विद द कैलकुलेशन विच कंपोनेंट एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन 20,000 ऑफ द प्रेस टाइम अवेलेबल. मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे फ्रेंड्स? अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सब कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट से रिलेटेड थे. पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कॉस्ट से रिलेटेड है, तो उल्टा हो जाएगा आपका सोचने का तरीका. पहला देखो, मैक्सिमम दिस इज गिवन टू यू, गिवन given to you, maximum hours available to you ट्वेंटी थाउजेंड और ये आपका है limiting factor. ये आपका क्या हो जाएगा, limiting factor. Then hours required per unit, components, direct expense rupees 10, hours per unit, components A, B, C, D. डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखा 10, 20, 10, 60, 10 rupees पर यूनिट, 20 rupees पर यूनिट, 10 rupees पर यूनिट एंड 60 rupees पर यूनिट एंड टोटल आवर्स अवेलेबल टू यू इज एक घंटे का अपन 10 rupees पे करते हैं, इसका मतलब 1 hour लगेगा, इसका मतलब आपको 2 hours लगेंगे, इसका मतलब आपको 1 hour लगेगा, इसका मतलब आपको 6 hours लगेंगे. मैक्सिमम आपके पास आवर्स अवेलेबल है 20,000, जो आपका लिमिटिंग फैक्टर है. कंपनी बोल रही है कि इनसफिशियंट है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में. हम लोग को एग्रीकल्चर मशीनरी बनानी है, उसके लिए कंपोनेंट चाहिए ए बी सी डी और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा पर यूनिट दे रखा है 10, 20, 10, 60
और पर आवर का रेट है 10, इसका मतलब 1 आवर, इसका मतलब 2 आवर्स, 1 आवर एंड 6 आवर्स, सही आंसर होगा। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, चाहे आप बनाओ चाहे आप नहीं बनाओ चाहे आप परचेज करो, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन आपका क्या रहेगा, सेम, वो तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट लगने ही वाला है, चाहे आप बनाओ आप मत बनाओ आप कुछ भी करो, आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको लगने वाला है, फिक्स्ड कॉस्ट इज रिमेन सेम। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं, ओके अब आप आ जाइए, जैसे हम लोग प्रॉफिट में कैसे डिसीजन लेते थे, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता था वो प्रोडक्ट हम लोग पहले बनाते थे। यहाँ पे अपने को डिसीजन लेना कि भाई क्या तो हम खुद बनाएं और क्या हम बाहर से लें, तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स स्टेप नंबर वन, एकदम शांति से एक एक पॉइंट को समझते हुए, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन, दिस इज योर कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ए बी सी डी, कंपोनेंट ए बी सी डी, सबसे पहले आप ले लीजिए परचेज कॉस्ट, व्हाट इज द परचेज कॉस्ट, 60, 59, 52 and 168 less मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, आपका मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट 62 है, उसमें 5 रुपीज आपका फिक्स्ड है, इट मींस 57, देन 59 माइनस 4 इज 55, देन 68 माइनस 11, 68 माइनस 11 इज 57, एंड देन 164 माइनस 20, 164 माइनस 20 इज 144, दिस इज योर लॉस ऑन परचेज पर यूनिट। अगर मैं एक यूनिट एक ही बाहर से लेता हूं तो मुझे 3 रुपीज का लॉस होगा, अगर मैं, क्योंकि मेरे को 60 में मेरे को परचेज हो रहा है, 57 में मेरे को घर में बन रही है, अगर मैं एक यूनिट एक ही बाहर से ले लेता हूं तो मुझे 3 रुपीज का लॉस होगा, यहां पे मुझे 4 रुपीज का लॉस होगा, यहां पे मुझे 5 का प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा बनाने का कॉस्ट कम आ रहा है और मेरा बनाने का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है और मेरा परचेज कॉस्ट कम आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको तो मैं क्या करूंगा, ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो मैं क्या करूंगा, इज ए परचेज, क्योंकि मेरा बनाने का कॉस्ट आ रहा है 57 और बाहर मुझे कितने में मिल रही है 52 में, तो डेफिनेटली मैं परचेज करूंगा। नाउ 168 माइनस 144 इज 24 रुपीज, इज 24 रुपीज। अगर इसको मैं बाहर से लेता हूं तो मुझे पर यूनिट पे 24 का लॉस है, एक यूनिट अगर मैं डी की बाहर से लेता हूं, एक यूनिट अगर मैं डी की बाहर से लेता हूं मुझे 24 का लॉस है,
एक यूनिट अगर मैं ए की बाहर से लेता हूं मुझे 3 का लॉस है, एक यूनिट अगर मैं बी की बाहर से लेता हूं मुझे 4 रुपए का लॉस है। सही है सर, परफेक्टली क्लियर हूं। डिवाइडेड बाई, क्योंकि मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, इट मीन्स डिवाइडेड बाई आवर्स पर यूनिट, क्या आवर्स अपन ने निकाले थे 1216, 1 hour, 2 hours and 6 hours, it means loss on purchase per hour, इसमें मुझे loss होगा 3 rupees का, इसमें मुझे loss होगा 2 rupees का, और इसमें मुझे loss होगा 4 rupees का। अगर मैं product D को बना लेता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट डी को बना लेता हूं तो मेरा हर घंटे पर जो 4 rupees का लॉस था वो बच जाएगा। अगर मैं ए को बना लेता हूं तो मुझे जो हर घंटे पर 3 rupees का लॉस था वो बच जाएगा। अगर मैं बी को बना लेता हूं हर घंटे पर 2 rupees का लॉस था वो बच जाएगा। तो पहले रैंक फॉर प्रोडक्शन, पहले मैं ये बनाऊंगा तो मेरा लॉस बचेगा, फिर मैं ये बनाऊंगा तो मेरा लॉस बचेगा, फिर मैं ये बनाऊंगा तो मेरा लॉस बचेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं, मेरे पास 4 कंपोनेंट है ए बी सी डी, अगर मैं बाहर से लेता हूं 60 में पड़ता है, खुद बनाता हूं 57 में 3 rupees का, एक यूनिट को अगर मैं बाहर से लेता हूं तो मुझे लॉस है 59 माइनस 55, मुझे 4 का लॉस है, 52 57 मुझे 5 का प्रॉफिट है, 168 144 मुझे 24 का लॉस है। फिर मैंने आर्स से डिवाइड किया, बिकॉज आर्स इज ए लिमिटिंग फैक्टर, मेरे पास आर्स अवेलेबल है ओनली 20,000। तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, डी बना लेना चाहिए, क्योंकि डी में मुझे हाईएस्ट लॉस आ रहा है पर आर। फिर मुझे ए बना लेना चाहिए और फिर मुझे बी बना लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विच कंपोनेंट एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन 20,000 आवर्स ऑफ द प्रेस टाइम अवेलेबल। अगर आपके पास 20,000 आवर्स अवेलेबल है तो आपको क्या बनाना चाहिए और आपको क्या परचेज करना चाहिए। ठीक है, एक बार रैंक आ गया फिर तो अपना एरिया है ना, फिर तो जाने की कॉस्टिंग लगेगी। आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए हुए, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए एंड स्टेप नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग परचेज एज वेल एज प्रोडक्शन प्लान, स्टेटमेंट शोइंग परचेज एंड प्रोडक्शन प्लान फॉर मिनिमम कॉस्ट। ओके, क्या था अपना फॉर्मेट, याद है फ्रेंड्स? जैसे ही आप ये फॉर्मेट में डालोगे एग्जामिनर समझ जाएगा यह फ्रॉम दानी की कॉस्टिंग, और 100 में से आपको कितने मार्क्स दे देगा, 100। वो बोलेगा आई डोंट वांट टू चेक योर कॉपी, राइट? वाइफ को फोन करेगा, आई वॉन्टेड टू गिव यू ट्रीट टूडे। वाइफ बोलेगी अरे वाई वॉट हैपन, बोले आई हैव सीन द क्वेश्चन बुक, सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी, जिनका संसार में इतना नाम है। जब तक समुंदर में पानी रहेगा, कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी रहेगा, राइट? इट मींस ये आपका हो गया मशीन आवर्स प्रोडक्ट्स यूनिट्स आवर्स पर यूनिट टोटल एंड बैलेंस आवर्स, टोटल आवर्स अवेलेबल टू यू इज 20,000। अब फर्स्ट प्रेफरेंस आपका किस में आ रहा है फ्रेंड्स, डी। डी डी की डिमांड है अपने पास 2,800 यूनिट्स, और एक डी को बनाने में अपने को लगते हैं 6 आवर्स,
6 hours. It means 2800 into 6, 16800. It means 20,000 minus 16800. 20,000 से माइनस किया, इट मींस 3,200. सही आंसर। टोटल हमारे पास आर्स अवेलेबल है 20,000. पहले हम लोगों ने डी बनाया, क्योंकि अगर हम डी बना लेंगे तो हमको डी में क्या है, मैक्सिमम लॉस हो रहा है हमको अगर हम बाहर से लेते हैं तो अगर हमने डी बना लिया तो हमारा वो लॉस सेव हो जाएगा कि नहीं, ये वाला लॉस मेरा सेव हो जाएगा कि नहीं। तो पहले मैं डी बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये ए बनाऊंगा, उसके बाद बी बनाऊंगा। सी तो डेफिनेटली हम बाहर से ले रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट है करके ना। सही है सोनो फ्रेंड्स। अब आप आ जाइए, अब आप बनाइए ए। ए की डिमांड है 2000, एक ए को बनाने में अपने को टाइम लगता है 1 आवर। इट मींस 2000 आपके पास टाइम बचा 1200, फिर हम बनाएंगे बी। और एक बी को बनाने में लगते हैं 2 आवर्स पर यूनिट, इट मींस 6। अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ, तो मुझे क्या आएगा, मिनिमम कॉस्ट। ये मेरा हो गया आंसर नंबर ए। विच कंपोनेंट इन व्हाट क्वांटिटीज शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन 20,000 आवर्स ऑफ द प्रेस टाइम अवेलेबल। अगर मेरे पास 20,000 आवर्स अवेलेबल हैं, मुझे क्या बनाना चाहिए और मुझे क्या क्या मुझे बनाना चाहिए और मुझे क्या परचेज करना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप क्या आ रहा है आपके पास। अब आपके पास क्या था फ्रेंड्स, देखो जरा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ परचेज करने की ना, परचेज कैसे करेंगे फ्रेंड्स समझिए। देखो आपके पास कंपोनेंट है ए बी सी एंड डी। ए आपको 2000 चाहिए, वो 2000 का 2000 पूरा आपने क्या कर लिया, आपने 2000 का 2000 पूरा क्या कर लिया, इज ए प्रोडक्शन आपका हो गया। ठीक है, बी में आपको चाहिए 3500 यूनिट्स, बी में आपको चाहिए 3500 और आपने बनाया कितना है 600, आपके पास बैलेंस कितना है 2900। ये आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज। ये आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज। ये आपका प्रोडक्शन। अब सी में तो पूरा की पूरा आप सी तो पूरा 1500 में से 1500 पूरा की पूरा आप क्या कर रहे हो, ये परचेज। डी में आपका क्या है, डी में आपकी यूनिट्स है 2800, तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो 2800। अब प्रॉब्लम क्या बचा आपका, ओनली 2900 यूनिट्स ऑफ बी, बाकी सब आपका बन गया या परचेज हो गया। आपके पास जो प्रॉब्लम बचा है, वो कितने यूनिट्स का बचा है, इज ओनली 2900। आपको कितने यूनिट्स का आपको ये मिला है 2900। ये 2900 आपके पास आपको परचेज करना है। तो अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है बी में, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू मेक एनी ऑफ द बैलेंस ऑफ द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड ऑन ए सेकंड शिफ्ट बेसिस इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। Whether it would be profitable to make any of the balance of the components required on second shift basis instead of buying them from outside supplier। तो भाई अपने पास ऑप्शन तो यही था कि हम इसको बाहर से ले लें, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ए, हमारा सी प्रोडक्ट परचेज हो रहा है, ये प्रोडक्शन हो रहा है। प्रॉब्लम कहां पे बची थी, बी में। बी का चाहिए 3500, हम लोग बना रहे हैं 600, तो 2900 आपको क्या करना पड़ेगा, इज ए परचेज।
बराबर। तो वो बोल रहा है कि परचेज की जगह एक ऑप्शन और भी है। व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन है कि हम सेकंड शिफ्ट में बना ले, इंस्टेड ऑफ परचेज हम सेकंड शिफ्ट में भी बना सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, इट मींस देखिए आप, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर बी। स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल। ओके, अब आप देखिए, इन केस ऑफ बी आपको 3500, उसमें से 600 यूनिट्स आपकी ऑलरेडी बन चुकी हैं 2900। अब 2900 का व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? 2900 का, 2900 यूनिट्स का व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? 2900 का व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? बी को परचेज करेंगे तो 59 into 2900 is 171100। और अगर हम लोग जाते हैं सेकेंड शिफ्ट में जाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखा है 8 रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका पर यूनिट, आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखा है बी का 27 रुपीज। आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है 27, डायरेक्ट मटेरियल 27। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दे रखा है 8, लेकिन इफ यू आर वर्किंग ऑन सेकेंड शिफ्ट तो क्या बोला है, सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन वुड इंक्रीज डायरेक्ट वेजेस बाय 25%। इसका मतलब इनटू 125%, 8 into 1.25 is 10। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस 10, डायरेक्ट एक्सपेंस 10। ओके, फिक्स कॉस्ट इज इरेलेवेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस इज 20, फिक्स कॉस्ट इज इरेलेवेंट, 57 into 2900। सो 57 into 2900 165300 प्लस। अब आपको एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा, आपको पार्ट थ्री में बहुत डिटेल में मैं कराने वाला हूँ, पार्ट थ्री में मैं आपको बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ फिक्स, ये रिलेवेंट कॉस्टिंग वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको बहुत मजा आएगा। 2900 यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं, एक यूनिट को बनाने में कितना 2 आवर्स लगेगा, इसका मतलब 5800 आवर्स आपको लगेगा। और उसने क्या बोला है कि सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन वुड इंक्रीज डायरेक्ट वेजेस 25% ओवर द नॉर्मल शिफ्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स 500 फॉर ईच 1000 और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब एवरी 1000 के लिए आपको 500 रुपीज लगेगा, एवरी 1000 आवर्स के लिए आपको, आवर्स के लिए आपको रुपीज 500 लगेगा। अगर आपका 1000 और पार्ट देयर ऑफ है, इसका मतलब यहां पे आपको पे करना पड़ेगा 6000 आवर्स के लिए, 3000 168 300।
आपका बनाने का आ रहा है 168,300, अगर आप परचेस करेंगे तो आप पर आ रहा है 171,100 पर अगर आप बनाते हैं तो उसका सेकेंड शिफ्ट में आपका बनाने का कॉस्ट आ रहा है 168,300। इसका मतलब बेटर टू गो फॉर सेकेंड शिफ्ट, मैंने आपको लिखा भी है। ओके, आपका फाइनल आंसर यू शुड गो टू सेकेंड शिफ्ट, यू शुड गो टू सेकेंड शिफ्ट। अपने को कहां जाना चाहिए, अपने को सेकेंड शिफ्ट में जाना चाहिए, वी शुड गो टू सेकेंड शिफ्ट। अगर हम लोग सेकेंड शिफ्ट में जाते हैं तो अपने को कॉस्ट आ रहा है 168,300, अगर हम बनाते हैं तो उसका कॉस्ट आ रहा है 171,100 और अगर हम सेकेंड शिफ्ट में जाते हैं तो 168,300। तो इट इज बेटर टू गो फॉर सेकेंड शिफ्ट, सही है सर। ओके, तो मेक और बाई के बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको करा देता हूँ, सही है सर। ओके,